देखो नमस्ते, आप लोगों ने पिछले लेक्चर नंबर 58 में फिनोल की इलेक्ट्रॉन स्नायी प्रतिस्थापन अभिक्रिया देखी, तो उसमें कुछ आदिशी अभिक्रिया हुई है और उस अभिक्रियाओं में आप लोगों ने एक अभिक्रिया हेलोजनीकरण पढ़ी थी, एक नाइट्रीकरण पढ़ा था, एक सल्फोनीकरण पढ़ा था और फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एसिटिलीकरण और एल्किलीकरण पढ़ा है। अब इसके बाद एक जो अगली रिएक्शन है उस रिएक्शन का नाम है बेटा फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया। क्या बेटा? फ्रिस पुनर्विन्यास अभिक्रिया। अर्थात सबसे पहली बात तो ये समझो कि बेटा पुनर्विन्यास अभिक्रिया किसे कहते हैं, कि वे रासायनिक अभिक्रिया जिनमें क्रियाकारक उत्पाद बनते समय, क्रियाकारक क्या होगा, उत्पाद बनते समय उसी के परमाणु या परमाणुओं के समूह का क्या होता है बेटा, एक तरह से पुनर्विन्यास होता है, तो ऐसी अभिक्रिया कहलाती है पुनर्विन्यास अभिक्रिया। जैसे नॉर्मल रूप से अपन कहें कि आप लोगों ने जैसे लिया CH3CH2CH2 और ये CH3, यदि अपन इसको AlCl3 की उपस्थिति में गर्म करें तो ये है आपका बेटा ब्यूटेन, और ब्यूटेन की बात है जब गर्म किया तो आपका बनेगा CH3CH3 और ये CH3, अर्थात ये तो आपका बना गया बेटा आइसो ब्यूटेन बन गया। क्या बन गया? और ये वाला क्या कहलाएगा बेटा? एन ब्यूटेन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ये एन ब्यूटेन। तो इसका आप लोग देखो यहाँ पर किसी परमाणु या परमाणु के समूह का इसमें देखो वहाँ विन्यास हो रहा है, कहने का मतलब है कि उनको व्यवस्थित करने का जो ढंग होता है ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है? पुनर्विन्यास अभिक्रिया कहलाती है। पहली बात तो अभिक्रिया का नाम है बेटा फ्रिस पुनर्विन्यास। तो इसमें क्या करेंगे, जब आप लोग फिनोल की अभिक्रिया, फिनोल लोगे आप लोग, फिनोल की अभिक्रिया यदि आप लोग किसके साथ कराओ, एसिटिल क्लोराइड के साथ कराओ, एसिटिल क्लोराइड के साथ, और इसको आप लोगों को गर्म करना है। गर्म करना, आपको मैंने ये अभिक्रिया पहले भी बताई थी जिसके अंदर फ्रेडल क्राफ्ट एसिटिलीकरण किया था, लेकिन यहाँ उपस्थित थी AlCl3 की या FeCl3 की उपस्थिति यदि होगी तो ही आप लोग ऑर्थो पैरा वाले उत्पाद बनाना, यदि यहाँ पर कुछ भी नहीं है तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ से तो बेटा H लेना और यहाँ से क्या लोगे बेटा Cl लेना। क्या नफार निकालेगा? क्या यहाँ पर अपन का निकल गया HCl भार, तो आपका एक यौगिक बनेगा। यौगिक आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये O यूँ क्यों लगा दिया बेटा O, और ये CO और ये आपका CH3, ठीक है। तो ये क्या है? एक फेनिल एसीटेट है, और फेनिल एसीटेट क्या है? एक तरह से एसेटर एस्टर है, इसका नाम है बेटा फेनिल एसीटेट। क्या है बेटा? ये फेनिल एसीटेट। अब यहाँ पर ये फेनिल एसीटेट बना। अब ये फेनिल एसीटेट जो बना है इसके अंदर देखो बेटा, आपको बता रहे फिनॉल की इलेक्ट्रॉन स्नायी प्रतिस्थापन अभिक्रिया, फिनॉल होता है बेटा ऑर्थो पैरा निर्देशकारी, ठीक है। तो ये जो समूह है, परमाणुओं का जो समूह है, इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर प्रतिस्थापित होगा। कंडीशन दो होती है बेटा इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं और मिटाना ऊपर की तरफ लिख रहा हूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन स्नायी प्रतिस्थापन है, यहां पर ये फ्रिस पुनर्विन्यास ही चल रहा है, ये वाला सिस्टम हटा रहा हूं मैं। अब आपको क्या करना है, जो आपका उत्पाद है, उत्पाद कौन सा है बेटा? फेनिल एसीटेट। इसको उतारोगे, किसको उतारोगे? फेनिल एसीटेट को। और फेनिल एसीटेट को जब उतारोगे तो यहाँ पर अपन ने लिखा है बेटा नीचे फेनिल एसीटेट ओ, यहाँ पर ये सी ओ और ये सी एस थ्री, नाम हो गया फेनिल एसीटेट। ये फेनिल एसीटेट लिया। अब क्या करना है, यहाँ दो कंडीशन है, मैं आपको एक कंडीशन तो यहाँ कर देता हूँ, एक कंडीशन यहाँ कर देता हूँ। दो, जब टेम्परेचर 333 केल्विन या इससे कम हो, जब टेम्परेचर कितना हो 333 या इससे कम हो तो आपको ऑर्थो उत्पाद बनाना है, सॉरी पैरा उत्पाद बनाना है, और जब टेम्परेचर 433 या इससे कम अधिक हो तो आपको ऑर्थो उत्पाद। अब देखो बेटा इस समूह को क्या करना है, ये वाला जो समूह दिखा है एसिटिल समूह को, आप लोग क्या करोगे, मैं यहाँ पर कौन सा उत्पाद बनाना है, पी उत्पाद बनाना है, यहाँ कौन सा उत्पाद बनाना है, ओ उत्पाद बनाना है, अर्थात ऑर्थो उत्पाद बनाना है। अब ये समूह को यहाँ पी उत्पाद है तो ये पूरा समूह बेटा यहाँ जोड़ो, कहाँ जोड़ोगे, यहाँ पे जोड़ोगे, यहाँ तभी जुड़ेगा जब यहाँ का H हटेगा, अरे प्रतिस्थापन होगा, H हटेगा तो ये H पहुँचेगा इस O के पास, समझ भाई। तो यहाँ मैं बोल रहा हूँ कि भाई मैंने इस H को बाहर निकाला बेटा, और ये H जो बाहर निकला है इसको मैंने यहाँ पहुँचा दिया और ये पूरा समूह यहाँ आ गया, तो ये पुनर्विन्यास हुआ कि नहीं हुआ, जब हुआ तो कंडीशन यहाँ देखो आपका उत्पाद क्या बनना बेटा, कौन सा समूह जोड़ा, सी ओ समूह जोड़ा, सी ओ दी बंद और ये सी एस थ्री, जुड़ा कि नहीं जुड़ा। अब ये जुड़ा है तो यहाँ से H हटा है, जब H हटा है तो इस O के पास गया तो अपन ने क्या कर दिया OS, तो इसका नाम क्या है बेटा, पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। क्या नाम है? पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, पैरा हाइड्रोक्सी
एसीटोफिनोन, ओन की आवाज आनी चाहिए इसके अंदर, क्यों आएगी, कीटोनिक समूह है। फिनोल मत कर देना, फिनोन आएगा, तुम ये मत साहब फिनोल है, फिनोल नहीं, अपन नाम देंगे ये फोर हाइड्रोक्सी एसीटोफिनोन, फिनोल मत देना, फिनोल तो इसका नाम होता है। फिर उसके बाद आगे आओ, अब क्या करना है आपको, कौन सा उत्पाद बनाना है बेटा, ऑर्थो वाला। अब क्या करना, या तो यहां या यहां, अब यहां का एच को पहुंचाओगे इस ओ के पास और इस पूरे समूह को पहुंचाओगे इसकी ऑर्थो पोजीशन पर, वही कंडीशन है सेम टू सेम। तो आपका जब कब टेम्परेचर 433 या इससे अधिक हो तो ये तो ओ तो परिवर्तित हो गया ओ एच में, सही। और यहां पर ये समूह कौन सा जुड़ गया, सी ओ सी एच थ्री, और ये आपका क्या बन गया बेटा, ऑर्थो हाइड्रोक्सी, ऑर्थो हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सी एसीटो एसीटोफिनोन, ये उत्पाद बना बेटा। देखो भाई इस अभिक्रिया को बोलोगे आप फ्रिस पुनर्विन्यास। अब पहली बात, दूसरी बात उपस्थिति, उपस्थिति होती है बेटा यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन की, किसकी होती है, नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति लिख लेना, और नाइट्रोबेंजीन का सूत्र होता है C6H5NO2, और साथ में AlCl3 की उपस्थिति कर सकते हो, प्लस किसकी उपस्थिति, AlCl3 की उपस्थिति निर्जल, और यहाँ पर भी प्लस AlCl3 कर लेना। तो नाइट्रोबेंजीन की उपस्थिति में 333 केल्विन या इससे कम रहे तो आप उत्पाद बताओगे पैरा, और जब टेम्परेचर 433 या इससे उच्च रहे तो आपको ऑर्थो। तो यहाँ पर सब देख दो, ये परमाणु या परमाणु के समूह का इसी पर क्या हो गया बेटा, एक तरह से पुनर्स्थापन हो रहा है, इस अभिक्रिया को बोलोगे पुनर्विन्यास अभिक्रिया, जिस अभिक्रिया का नाम है फ्रिस पुनर्विन्यास। अब तुम लोगों से सवाल ये पूछा जाए कि भाई साहब ये हमको क्या पता कि जैसे एग्जाम में सवाल आ जाए, तो मैं इस सवाल को ऐसे करके बताता हूँ इसके नीचे, जैसे ये वाला क्वेश्चन हो गया और आपको क्वेश्चन में ये लिखा हुआ बेटा, ये तो फिनोल लिख दिया और लिख दिया CH3COCl, ठीक है, और आप लोगों से यहाँ उत्पाद पूछ रहा है, ये उत्पाद पूछे, कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप दोनों उत्पाद बनाओगे ऑर्थो वाला और पैरा वाला। यहाँ पर आप नाइट्रोबेंजीन या AlCl3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, कम ताप पर अधिक ताप यदि पूछे ना कि कम ताप पर क्या बनेगा अधिक ताप पर कब बनेगा तो लिखना, नहीं तो दोनों उत्पाद बनाओगे एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला। फिर कंडीशन दूसरी भाई, यहाँ पर एक तो ये क्वेश्चन हो गया, देखिए यहाँ फिर आप लोगों ने क्या लिया बेटा, ये फिनॉल ले लिया मैंने, वो इसको यहाँ लगा रहा हूँ, और अपन ने बोला CH3COCl और यहाँ लिख दिया AlCl3 की उपस्थिति। तो आप जब AlCl3 की उपस्थिति लगाओगे तो आपको मैंने पहले ही बताती इस अभिक्रिया का नाम है फ्रेडलक्राफ्ट एसिटिलीकरण अभिक्रिया, कौन सी है, तो इसमें उत्पाद आप लोग एस्टर वाला बनाओगे, इसमें जो उत्पाद बनाओगे पहले तो एस्टर बनता है लेकिन बाद में दो उत्पाद, एक पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन जो कम ताप पे होगा और तो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन जो उच्च ताप पे होगा, समझ में आ गई। तो यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन खत्म कर देना कि ये सिस्टम है कि यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ AlCl3 मिला तो यही काम खत्म हो गया खत्म, फिर ये वाला मिला तो आगे काम खत्म नहीं हुआ, पहले तो ये बनाना उसके बाद पुनर्विन्यास कराना, और पुनर्विन्यास लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सीधे दोनों के दोनों उत्पाद बनाने और तो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन बनाओगे, ठीक है क्लियर। तो ये अभिक्रिया कहलाती है बेटा फ्रिस पुनर्विन्यास। फिर वापस सुन लो, जब फिनोल की क्रिया एसिटिल क्लोराइड से कराते हो तो फेनिल एसिटेट बनेगा, जब इसकी क्रिया नाइट्रोबेंजीन और AlCl3 की उपस्थिति 333 या इससे कम ताप पे कराओगे तो उस कंडीशन के अंदर क्या बनेगा बेटा, उस कंडीशन में बनेगा आप लोगों का पैरा हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन और ऑर्थो हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट अभिक्रिया पढ़ते हैं आप, और नेक्स्ट अभिक्रिया के अंदर आप लोगों की जो अभिक्रिया है वो है बेटा फार्मिलीकरण, और फार्मिलीकरण का मतलब होता है कि इसकी ऑर्थो और पैरा पोजिशन पर आपको CHO समूह जोड़ना है, क्या जोड़ना है बेटा, CHO समूह, जिसको फार्मिलीन समूह बोला जाता है, फार्मिलीकरण बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन, अगली अभिक्रिया का नाम है फार्मिलीकरण, और फार्मिलीकरण का मतलब होता है CHO समूह का जुड़ना। अब कहने का मतलब जब CHO समूह जुड़ेगा फिनोल के अंदर, ये तो आपका फिनोल हुआ और आपका ये अपन ने CHO समूह को जोड़ा, प्लस दूसरा उत्पाद कौन सा बनेगा बेटा इसके अंदर, एक आपका बनेगा पैरा वाला उत्पाद, तो अपन ने ये CHO समूह को जोड़ा, तो इसका नाम है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड IUPAC नाम, और सामान्य नाम है सैलिसिलिक एल्डिहाइड, क्या नाम है, तो इसका नाम अपन दो उत्पाद बनाने अपन को, तो मैंने ऐसे लिखे हैं, तीन प्रकार की रिएक्शंस होगी अलग अलग है, नाम क्या है इसका,
सैलिक सैलिसिलिक एल्डिहाइड, दोनों का नाम सैलिसिलिक एल्डिहाइड है, इसका भी इसका भी, ये नहीं अलग अलग है, दोनों का नाम सैलिसिलिक एल्डिहाइड, लेकिन इसका नाम और इसका नाम, इसका नाम अपन क्या देंगे, ऑर्थो हाइड्रोक्सी या टू हाइड्रोक्सी बोल सकते हैं, आईयूपीएसी में सामान्य नाम भी यही है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी और बेंजे एल्डिहाइड, क्या लिखोगे, बेंजे एल्डिहाइड, ठीक है बेटा, किसका, इस वाले का नाम, इसका नाम क्या हो जाएगा, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजे एल्डिहाइड, तो इसका नाम क्या लिख दोगे, ये आपका बनेगा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजे एल्डिहाइड, ये आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजे एल्डिहाइड लिख देना। तो कहने का मतलब है, फार्मूलीकरण का मतलब समझो कि आप लोगों किसी और तो पैरा पोजिशन पर सी एच ओ समूह का जुड़ना होगा और जो यौगिक बनेगा उसका नाम सैलिसिलिक एल्डिहाइड होगा, सामान्य नाम इसका भी दोनों का सैलिसिलिक का ध्यान रख लेना, और मुख्य उत्पाद यहाँ पर ऑर्थो वाला बनता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना। फिर उसके बाद इसको अपन दोगे तो टू हाइड्रोक्सी बेंजे एल्डिहाइड बोलो या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजे एल्डिहाइड, और ये बोलोगे आप लोग पैरा हाइड्रोक्सी बेंजे एल्डिहाइड, तो इसके अंदर पहली अभिक्रिया पढ़ोगे आप लोग फार्मूलीकरण के अंदर, फर्स्ट रिएक्शंस पढ़ोगे, और फर्स्ट रिएक्शंस का नाम है बेटा गाटरमान अभिक्रिया, है ना। अब आप सोचो गाटरमान अभिक्रिया तो हमने पढ़ी है, और गाटरमान अभिक्रिया हमने पार्ट नंबर 10 में पढ़ी है, लेकिन जब आप लोग गाटरमान अभिक्रिया है तो इसको बोलोगे गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण है, सही नाम इसका शुद्ध। और गाटरमान अभिक्रिया यदि नाम से केवल से आए, अपनी किताब में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, गाटरमान अभिक्रिया 2, 10वें पाठ के अंदर आप लोगों ने क्या कराई थी, आप लोग गाटरमान अभिक्रिया कॉपर चूर्ण की उपस्थिति में कराई थी अभिक्रिया, बीडीसी की क्रिया कराई थी, है ना, तो उसके अंदर प्रतिस्थापन हुआ था, क्लोरोबेंजन और ब्रोमोबेंजन बनाया था। अब यहाँ पर गाटरमान इस अभिक्रिया का नाम है, सही मायने में अपनी किताब में लिखा है गाटरमान अभिक्रिया लिखा हुआ है, लेकिन पूरा नाम क्या है इसका, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, इस अभिक्रिया का नाम ये है पूरा का पूरा। अब कन्फ्यूजन पैदा मत करना, एक बात बता देता हूँ नोट करके, यदि ये क्वेश्चन आता है गाटरमान अभिक्रिया और आपका इस प्रश्न के साथ कोई 12वें पाठ का कोई प्रश्न आया है या फिर 11वें पाठ का कोई प्रश्न आया है, एल्कोहल संबंधी फिनोल संबंधी कोई क्वेश्चन आया है, तो इस समीकरण को देना है। और गाटरमान अभिक्रिया आई और उसमें कोई सवाल SN1 अभिक्रिया SN2 अभिक्रिया या फिर सैंडमायर अभिक्रिया या फिंकलस्टाइन अभिक्रिया स्वाटस अभिक्रिया है 10वें पाठ की, तो आपको वो वाली रिएक्शन देनी है, ये चीज़ ध्यान रखना, ये समझने की बात है, क्योंकि अपन इस पाठ में और पढ़ेंगे राइमर टीमान अभिक्रिया, दो प्रकार की अभिक्रिया, एक राइमर टीमान कार्बोक्सिलीकरण है, एक राइमर टीमान फार्मिलीकरण है। तो राइमर टीमान यदि आती है तो भाई हम तो एक ही लिखेंगे, या तो फार्मिलीकरण करा ले या कार्बोक्सिलीकरण करा ले, ठीक है। तो यहाँ पर अपन को बोलना है सही रिएक्शंस क्या है, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण या कोच एल्डिहाइड संश्लेषण के नाम से जानी जाती है। तो इसमें क्या है बेटा, सबसे पहले क्या होगा कि HCN का नाम क्या है, हाइड्रोजन साइनाइड की अभिक्रिया जब आप लोग सांद्र HCl के साथ कराते हो तो क्लोरामीन बनता है, क्या बनेगा, क्लोरामीन, ध्यान रखना। सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सांद्र HCl लेना और आप लोग HCN की अभिक्रिया HCl से कराओगे तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये क्या है Cl, और यहाँ पर आप देखो इस H को तो यहाँ दे दो और इस Cl को यहाँ दे दो, हो गया, तो आपका यहाँ Cl तो H ये लिख दिया, यहाँ पर अपन कह सकते हैं सीधा का सीधा NH करके लिख देते हैं, HCCl(NH) हो गया काम, बोलो कोई दिक्कत है क्या, है नाम क्या है इसका, क्लोरामीन, ये क्लोरामीन के नाम से जाने जाते हैं सबसे पहले बात। फिर ये जो क्लोरामीन जो बना हुआ है, इस क्लोरामीन की क्रिया अपन लोग किसके साथ कराएंगे, फिनोल के साथ कराएंगे, तो आपने क्या करना है, फिनोल को उठाओ, ये लिया फिनोल, एच ले लें बेटा इसका बाहर निकाल लें और तो पोजिशन वाला, फिर अपन ने क्या करा है, किसके साथ कराया, करा है जो बना हुआ है आपका HCCl(NH), ठीक, क्या करना है, यहाँ से HCl को बाहर निकालना है, ये HCl बाहर निकालना, हो गया HCl बाहर निकल गया। अब HCl जब बाहर निकला तो आपका माइनस अपन ने क्या कर दिया, HCl, अब ये पूरे समूह को यहाँ जोड़ो, जब समूह को जोड़ोगे तो आपका समूह जुड़ेगा बेटा ये वाला, देखो इसको समूह को नहीं छेड़ना है क्योंकि और तो पैरा वाला अपन को कराना है, जोड़ो इसको, जब जोड़ा तो आप लोग देखो बेटा सिंगल बॉन्ड CH आया कि नहीं आया, अरे CH दिख रहा है बेटा, है,
और द्विबंध क्या आ गया बेटा, NH आ गया। ठीक है, इसका नाम है बेंजिल्डमीन, बेंजी या एल्डिमीन बोल सकते हैं उसको, सीधा सीधा मतलब है एल्डिमीन के नाम से जाना जाएगा। अब यहाँ पर एक तो ऑर्थो एल्डिमीन बनेगा और एक पैरा एल्डिमीन बनेगा, समझ भाई। अब ऑर्थो और पैरा एल्डिमीन जो बना है उसका आप लोगों को अम्लीय जल अपघटन कराना है। क्या कराना है? अम्लीय जल अपघटन। तो ये जो दो उत्पाद बनेंगे, एक तो ये बना, अरे पक्का, कितने बनाने हैं अपन को, ये तो ऑर्थो वाला, दूसरा कौन सा बनाना है, पैरा वाला। प्लस करके अपन ने क्या बना दिया, प्लस करके अपन ने ये बना दिया, इस OH को छेड़ना नहीं है, यहाँ पर ये CH और द्विबंध और ये NH, इसका नाम भी एल्डिमीन, ये ऑर्थो एल्डिमीन है और ये पैरा एल्डिमीन है, पर क्लियर हो गया। माइनस क्या निकल गया, HCl। अब क्या करना है, जो बना हुआ एल्डिमीन है इसका आपको अम्लीय जल अपघटन कराना है। जब अम्लीय जल अपघटन कराओगे तो यहाँ वापस उतारो, देखो बेटा अपन ने क्या ले रहे हैं, अपन ने ले लिया एक तो ऑर्थो वाला, ये CH द्विबंध NH, और एक ले लिया अपन ने बेटा, यही करा देते पहले, इसका ही करा देते हैं, HOH ले लिया, हो गया क्या, H3O+ अम्लीय जल अपघटन। अब यहां क्या करना बेटा, H उठा लो, यहां से दूसरा H उठा लो और इस पूरे NH को बाहर निकालो, तो अमोनिया बाहर दिख रहा है, माइनस NH3। अब देखो फोटो चमकी, बचा हुआ O जोड़ो, CHO हो गया। तो आपका देखो यहाँ पर माइनस क्या निकला, NH3। अब आपको दिखाई दे रहा होगा OH को छेड़ना नहीं है, ये CH और ये O, ये CH और ये O, आपका बन गया पहला उत्पाद CHO, नाम होगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड या सैलिसिलिक एल्डिहाइड होगा, समझ में आ गई बात। दूसरा भी उत्पाद आप बना होगा, और दूसरे उत्पाद में आप लोग क्या करना है, ये एल्डिमीन को उतारना, इसके स्थान पे वो आएगा, प्लस HOH कर लेना, HOH करोगे तो माइनस NH3 बाहर निकाल देना और CHO समूह को यहाँ जोड़ोगे, यहाँ से हटा के यहाँ जोड़ना है, ठीक है। तो इस अभिक्रिया का नाम है गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण। तो ध्यान रखना HCN और HCl है मुख्य रूप से इसके अंदर, दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे, क्लोरामीन बनेगा, बना हुआ क्लोरामीन अभिक्रिया जब करेगा फिनॉल के साथ तो इसकी ऑर्थो पैरा पोजिशन से H हटा के Cl HCl बाहर निकलेगा, इस समूह को जोड़ दोगे और वो बनेगा एल्डिमीन। बने हुए एल्डिमीन का आप लोग अम्लीय जल अपघटन कराओगे, और अम्लीय जल अपघटन कराओगे तो HH और ये NH अमोनिया बाहर निकालोगे और ऑर्थो पैरा पोजिशन पर CHO समूह जोड़ोगे, बोलो कोई दिक्कत है इसके अंदर। तो इस अभिक्रिया का नाम है गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण, ठीक है बेटा। तो कहने का मतलब जब आप लोग फिनॉल की अभिक्रिया HCN HCl के साथ कराते हो तो एल्डिमीन का निर्माण होता है, जिसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। तो दोनों उत्पाद लिखो, स्वागत है, एक उत्पाद ऑर्थो वाला ही लिखो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखना पड़ेगा ये ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल्डिहाइड लिखो या सैलिसिलिक एल्डिहाइड लिखो, ठीक है। तो ये रिएक्शन कहलाएगी गाटरमान कोच एल्डिहाइड। तो फार्मिलीकरण के अंदर फर्स्ट रिएक्शन हो गई है, अब सेकेंड रिएक्शन है जिसका नाम है बेटा राइमर टीमान अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, सेकंड रिएक्शन फार्मिलीकरण के अंदर राइमर टीमान अभिक्रिया। और राइमर टीमान अभिक्रिया दो होती है बेटा, एक तो कार्बोक्सिलीकरण है जिसमें CH समूह जोड़ना है, और पहली रिएक्शन है फार्मिलीकरण। तो ये राइमर टीमान फार्मिलीकरण बोल रहा हूं इसको मैं, राइमर टीमान फार्मिलीकरण अभिक्रिया, क्या जोड़ना है CHO। कहने का मतलब जब फिनॉल की क्रिया NaOH या KOH के साथ, जब फिनॉल की क्रिया किसके साथ कराओगे, NaOH या फिर KOH के साथ कराओगे, क्या लेना चाहते हो आप लोग, मैं KOH ले लेता हूँ, और आप लोग किसके साथ क्रिया कराओगे, क्लोरोफार्म लेना है आपको, क्या लेना है, क्लोरोफार्म, और इसको गर्म करना है, गर्म करोगे तो आपका वही सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण। तो देखा था, ध्यान रखना कि ये जब क्लोरोफार्म लेना तो तीन KOH लेना क्योंकि तीन CL है, और जब कार्बन टेट्राक्लोराइड लेना तो चार लेना, बात है तो आप कितना लेना है अपन को, तीन, तो एक KOH, ये दूसरा और ये तीसरा, और भाई इसको गर्म कर दिया। सबसे पहला काम तो KCl को बाहर निकालो, ये काम है हमारा सबसे पहला, बोलो कोई दिक्कत है किसमें, तीन KCl बाहर निकला है ना, यहाँ H पड़ा हुआ है हमारा, अरे यहाँ पे भी H है, यहाँ पे भी H है, पकड़ो एक H पकड़ा, यहाँ से ए ले, यहाँ से ये पकड़ लिया, सबका मामला
एक एच, दो एच, तीन एच, चार एच और दो ऑक्सीजन, टू एच टू ओ बाहर निकाल दिया भाई। एक एच, दूसरा, तीसरा, चौथा और दो ऑक्सीजन, एक और एक दो। अब अपने पास बच क्या रहा है, देखो ओ बच रहे और सी एच बच रहे, तो सी एच ओ जोड़ना है कि नहीं। ओ तो बीचों बच गया और ये सी एच बच गया, तो आपने क्या जोड़ना है, ऑर्थो पोजिशन पर सी एच ओ जोड़ो प्लस आपका दूसरा उत्पाद बनाओगे पैरा वाला, जिसमें भी क्या जोड़ोगे सी एच ओ जोड़ो प्लस आप तीन के सी एल बाहर निकालोगा, क्या निकला नहीं तीन से, और प्लस आप टू एच टू ओ बाहर निकालोगे। बोलो, तो इस अभिक्रिया का नाम है राइमर टीमान फार्मिलीकरण। कहने का मतलब जब फिनोल की क्रिया NaOH, NaOH जब लोगे तो NaCl बाहर निकालना, और KOH ले रहे हो तो KCl बाहर निकालना। जब फिनोल की क्रिया जलीय KOH के साथ क्लोरोफॉर्म की उपस्थिति में गर्म करके कराते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड तथा पैरो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड का निर्माण होता है, मुख्य उत्पाद ऑर्थो बनेगा, ध्यान रखना, और इसको बोलोगे आप लोग सेल एसिलिक एल्डिहाइड। तो यह अभिक्रिया कहलाएगी राइमर टीमान फार्मिलीकरण। कोई दिक्कत, तो इस अभिक्रिया का नाम है राइमर टीमान फार्मिलीकरण अभिक्रिया। ध्यान रख लेना, इस एच को लेना, अब साहब यहाँ जोड़ो ना तो यहाँ का एच लेना, टू एच टू ओ बाहर निकाल देना। तो एक एच, दूसरा, तीसरा, चौथा, दो ऑक्सीजन, टू एच टू ओ बाहर, एक के, दूसरा, तीसरा, तीन सी एल, तीन के सी एल बाहर, बच रहा है एक ओ और सी एच, तो सी एच ओ जोड़ दो। कहाँ पर, और तो और पैरा पोजिशन पर। तो यह अभिक्रिया कहलाएगी राइमर टीमान फार्मिलीकरण। नेक्स्ट है फार्मिलीकरण का तीसरा रूप और इसका नाम है डफ अभिक्रिया। मैंने आपको पहले ही बताया कि नेम्ड रिएक्शंस को अच्छी तरह से याद कर लेना, ये रिएक्शन नेम्ड रिएक्शन से आता है। तो अगली अभिक्रिया है डफ अभिक्रिया। डफ अभिक्रिया, इसमें मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, कुछ चीज़ें इसमें रटने की है। रटने का मतलब यहाँ पर फिनोल की अभिक्रिया कराओगे हेक्सामेथिलीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन, हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन, ये है बेटा हेक्सामेथिलीन टेट्रा एमीन प्लस बोरिक अम्ल H3BO3 लोगे प्लस ग्लिसरॉल लोगे। क्या लोगे, ग्लिसरॉल लोगे आप यहाँ पर, ये उत्प्रेरक का कार्य करते, ध्यान रखना इस अभिक्रिया में। अब इसमें एक अभिक्रिया का मध्यवर्ती बनता है, इसका नाम है एन एल्किल एल्डिमीन। क्या बनेगा, एन, जैसे आप लोगों ने गाटरमान अभिक्रिया में पढ़ा था सी एच द्विबंध एन एच है, तो यहाँ पर सी एच द्विबंध एन रहेगा और एच के स्थान पर एल्किल समूह आप मध्यवर्ती के रूप में पढ़ाओगे। अब साहब हुआ कैसे, हुआ कुछ भी नहीं है, आप लोग इसको रटना है, कुछ भी करो, इसमें मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। कहने का मतलब जब इनकी उपस्थिति में आप अभिक्रिया कराओगे तो एल्किल समूह यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, तो फिनोल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्राएमीन और बोरिक अम्ल की बोरिक अम्ल व ग्लिसरॉल की उपस्थिति में कराते हैं तो एन एल्किल एल्डिमीन बनेगा। देखो बेटा OH को तो छेड़ना नहीं है। अब आपको यहाँ योगे सी एच द्विबंध एन और यहाँ पर R लिखो या फिर एल्किल समूह जोड़ दो, नाम होगा इसका एन मेथिल एल्डिमीन बोल दो सीधा का सीधा। क्या बोलोगे, एल्डिमीन बनेगा। दो बनेंगे, एक ऑर्थो वाला और एक पैरा वाला, सही है। तो ऑर्थो वाला पैरा फिर इसका वही अम्लीय जल अपघटन कराओगा, क्या कराओगा, अम्लीय जल अपघटन। देखो इधर उसको भी उतार लो, जब उसको उतारा तो उसका आपको अम्लीय जल अपघटन कराना है, तो ये सी एच याद रह जाएगा। क्यों याद रहेगा, देखिए साहब हमारे क्यों रहेगा, अरे जब हमने गाटरमान अभिक्रिया पढ़ी तो यहाँ पर एन के साथ एच था, अरे यहाँ पर एल्किल समूह याद रखना है और सब अभिक्रिया का नाम डफ अभिक्रिया और ये उत्प्रेरक याद रखना। अब क्या कराना है, इसका अम्लीय जल अपघटन कराना है, ये अम्लीय जल अपघटन और H3O+ लिख दिया। क्या करना, प्राथमिक अमीन बाहर निकाल भाई, एक एच, दूसरा एच और बेटा ये समूह क्या निकल गया, CH3NH2। क्या जोड़ना है, ओ, जो बचा है ओ को जोड़ दो, CH3CHO, सही है। तो यहाँ पर आपका बनेगा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड और दूसरा उत्पाद बनेगा आपका दो लेना, एक बनेगा आपका पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड प्लस CH3NH2 बाहर निकाल देना, ठीक है। एल्किल समूह के स्थान पर CH3 रखो या R भी रख सकते हो, कोई आपत्ति नहीं है। तो कहने का मतलब है जब फिनोल की क्रिया, किसकी क्रिया, जब फिनोल की अभिक्रिया हेक्सामेथिलीन टेट्रामीन में बोरिक अम्ल की उपस्थिति में ग्लिसरॉल के साथ कराते हैं तो आप लोगों का एन मेथिल एल्डिमीन बनता है और इसका आप लोग अम्लीय जल अपघटन कराओगे
तो सैलिसिलिक एल्डिहाइड का निर्माण होता है। ठीक है, तो यह अभिक्रिया कहलाएगी बेटा फार्मलीकरण, पहली गाटरमान, दूसरी राइमर्टिमान और तीसरी डफ अभिक्रिया। तो सरल सी बातें हैं, इनको उतारना, ढंग से याद करना। रिएक्शंस आती है तो यहीं से आती है, और या फिर ब्रोमीन या फिर HNO3 वाली आती है, जिसके अंदर मैंने आपको पहले ही बताया सांद्र HNO3, तनु HNO3 और ब्रोमीन जल और उसमें कार्बन डाइसल्फाइड और कार्बन टेट्राक्लोराइड की उपस्थिति के साथ भी करवाया। नेक्स्ट रिएक्शन है बेटा, अगली रिएक्शन कार्बोक्सिलीकरण। कार्बोक्सिलीकरण और कार्बोक्सिलीकरण का मतलब होता है बेटा आपको इसकी ऑर्थो पैरा पोजिशन पर सी डबल एच समूह को व्यवस्थित करना है, समायोजित करना है, मतलब समावेश करना है ऑर्थो पैरा पोजिशन पर। तो इसके अंदर पहली रिएक्शंस है, उस अभिक्रिया का नाम है बेटा राइमर, राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण। क्या बोलोगे इसको? राइमर टिमान कार्बोक्सिलीकरण अभिक्रिया, और इसमें सी डबल एच समूह का जुड़ना। ठीक, सरल सी रिएक्शन, राइमर टीमान में याद रखना तुम तो, क्षार यहाँ भी लेना है, फिनोल भी लेना है, वहाँ पर क्लोरोफॉर्म लिया था, यहाँ पर कार्बन टेट्राक्लोराइड लेनी है, बस इतना सा काम करना है। तो मतलब जब फिनोल की क्रिया NaOH या NaOH लो, अब इसमें क्या करते हैं NaOH ले लेते हैं, NaOH प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ कराते हैं तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, क्या नाम है? सैलिसिलिक अम्ल, तथा पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल का निर्माण होता है, वो भी सैलिसिलिक अम्ल ही कहलाएगा। तो देखो कितने लेने हैं, Cl कितने हैं? चार। तो अपन चार क्या लोगे? NaOH ले लेना बेटा, प्लस चार NaOH ले लेना। ठीक है, तो अब आप लोग फिनोल की क्रिया क्या कराओगे? KOH ले लो, NaOH ले लो, कोई दिखा। तो कितने Cl हैं? एक Cl, दो Cl, तीन Cl, चार Cl, तो चार NaCl को ले लो चक्कर में, पहले तो काम है। क्या बाहर निकल गया? चार NaCl। अब देखो है ऑर्थो पोजीशन पर हमारा H, यहाँ से H उठाओ, इसको तो हटाना है अपन को। जब हटा रहे हो तो देखो यहाँ से ये पकड़ो और साथ में दोनों H को भी मत छोड़ो, ये ले लो H, एक दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, और एक ऑक्सीजन और दूसरी ऑक्सीजन, 2H2O बाहर। अब बच क्या रहा है देखो, अब मैं समझता हूँ आपके पास तो एक तो सी बच गया, एक O और एक O बच गया, और H भी बच रहा है क्या कहीं? हैं, कहाँ गया? चलो वो देखेंगे वक्त। यहाँ देखो तो आपको बनाना है यहाँ पर सी डी बंद ओ एच, ये सी ओ एच प्लस कौन सा उत्पाद बनाओगे? एक और एक उत्पाद बनाना है आपको OH, और ये सी डी बंद है, इसका नाम है सैलिसिलिक अम्ल, प्लस तीन नहीं चार NaCl प्लस दो H2O। तो ये है सैलिसिलिक अम्ल। अब देखो बेटा इसके अंदर, तो बेटा आप बोलो यौगिक बना, ये है आप लोगों का सैलिसिलिक अम्ल, इसका नाम ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, और इसका नाम है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल। तो ये अभिक्रिया कहलाएगी बेटा राइमर टिमान अभिक्रिया। अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसके अंदर आप लोग जो यौगिक लिया हुआ है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, जिससे एक यौगिक बनता है, इसका नाम है एस्प्रिन। क्या नाम है बेटा? एस्प्रिन। मार्केट के अंदर गोली मिलती है डिस्प्रिन नाम की, और डिस्प्रिन का इस्तेमाल किया जाता है बेटा सर दर्द को रोकने के लिए, जो सर में दर्द होता है, हेडेक, कहने का मतलब यह है। तो आप लोग क्या करना है बेटा, जब आप लोग फिनोल मतलब ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल की क्रिया आप लोग एसिटिल क्लोराइड के साथ कराओगे, किसके साथ? एसिटिल क्लोराइड के साथ कराओगे, तो आपका ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल बनता है। क्या बनता है? ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल। तो यहाँ से तो Cl लेना और यहाँ से H लेना। जब आप लोगों का पाठ खत्म होगा ना फिनोल का, तो फिनोल के पाठ में गुणधर्म है, वहाँ पर ये समीकरण लिखी हुई है, टेंशन मत ले, देख ले लास्ट में, जब फिनोल के गुणधर्म है बनाने उपयोग लिखे हैं फिनोल के, वहाँ पर है नीचे देखो एस्प्रिन का निर्माण हो रहा है। तो माइनस क्या निकालना है आपको? HCl निकालना है। HCl निकालोगे तो आपका यौगिक, देखो बेटा यहाँ से आपको इस समूह को छेड़ना नहीं है, है? अब आपने इस समूह को पूरी को जोड़ा तो O, CO और ये आपका CH3, तो नाम में बेटा ऑर्थो एसिटॉक्सी, ऑर्थो एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, और इसका नाम है बेटा
एस्प्रिन। क्या नाम है बेटा? एस्प्रिन। सैलोल है, एस्प्रिन है बेटा, इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो यौगिक है ये एक है बेटा एस्प्रिन, और इसका इस्तेमाल किया जाएगा सर दर्द के लिए। ठीक है, तो इस्तेमाल करने का मतलब आपसे प्रश्न ये पूछा कि इसका कोई एक रासायनिक यौगिक बना जिसका उपयोग दर्द निवारक औषधि के रूप में किया जाता है। तो जब आप लोग पाठ नंबर दैनिक जीवन में रसायन पढ़ोगे, दैनिक जीवन में क्या क्या काम आते हैं, पैरासिटामोल क्या है, फेनिसिटिन क्या है, एमेप्रोजोल, पेंटाप्रोजोल, इनका नाम सुना होगा तुम लोगों ने, खाली पेट की दवा, डाइक्लोफेनिक जो दर्द की दवा है कि नहीं है। तो आप लोगों ने ये कुछ ऐसे हैं, इन साल्ट को किस प्रकार से बनाया जाता है उसमें पढ़ेंगे। तो ये है, आप लोग जब एस्प्रिन बनाओ तो इसका क्या कराना है, और तो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल, इसका नाम है सैलिसैलिक अम्ल। और सैलिसैलिक अम्ल का जब आप लोग एसिटिलीकरण कराओगे तो आपका और तो एसिटॉक्सी बेंजोइक अम्ल जिसका नाम है एस्प्रिन का निर्माण होता है। इसका उपयोग किस में किया जाता है? सर दर्द में किया जाता है। ठीक है बेटा, तो नेक्स्ट रिएक्शन अपन इसमें पढ़ेंगे कार्बोक्सिलीकरण में ही, और उस अभिक्रिया का नाम है बेटा कोलबे अभिक्रिया, या इसको बोल सकते हैं कोलबे स्मिट अभिक्रिया। ठीक,